नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सेक्स रैकेट चलाने वाले एक गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग व्हाट्सएप पर ग्राहकों को देह व्यापार करने वाली लड़कियों की अश्लील फोटो भेजकर उनसे 5 से 20 हज़ार रुपये वसूलते थे। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की DCP महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने बताया कि पुलिस को शनिवार दोपहर ये सूचना मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 56 स्थित A81 गेस्ट हाउस के सामने ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से देह व्यापार करने वाले गिरोह के दो लोग मौजूद हैं। इस पर उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बुद्धिमान लामा निवासी नेपाल और मोनू निवासी वसंत कुंज दिल्ली के रूप में हुई है, जबकि उनका एक साथी एलेक्स निवासी दिल्ली मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, 3 मोबाइल और करीब 25 हज़ार की नकदी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन से पुलिस और लोगों के गिरोह में लिप्त होने की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। हमको कुछ दिन पहले एक नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप पे ऑनलाइन डील फिक्स करके लड़कियां देह व्यापार के लिए सप्लाई की जाती थी। तो ये लीड प्राप्त करके हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, उन्होंने इस लीड पे काम करना शुरू किया और एक कस्टमर की भूमिका बना के इस नंबर पे वार्ता करनी शुरू की लड़कियों की बुकिंग के लिए। और आज के लिए बुकिंग फिक्स की गई और इसमें हमने एक ट्रैप बिछाया और जो दो अभियुक्त थे जो लड़कियों को ड्रॉप करने आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी सामने आया वो ये था कि ये व्हाट्सएप से ही अपना बिजनेस चलाते थे। इनके पास कोई फिजिकल प्रेमिसेस नहीं था जहाँ ये देह व्यापार कर रहे थे, पर ये कस्टमर्स से 5,000 से लेके 20,000 तक की डील स्ट्राइक करते थे और उसमें से 1,500 रुपये प्रति ग्राहक जो लड़कियाँ सप्लाई करते थे उनको दिया जाता था। और जो प्रेमिसेस बुक करने की, चाहे होटल हो, गेस्ट हाउस हो, किसी का घर हो, फ्लैट हो, उसकी जिम्मेवारी कस्टमर पे ही छोड़ी जाती थी और ये मात्र अपनी गाड़ी में आकर लड़कियां ड्रॉप कर देते थे और फिर बाद में पिक करके ले जाते थे। तो इस संबंध में जो दो व्यक्ति इन लड़कियों को ड्रॉप करने आए थे, एक जो मूल रूप से नेपाल का निवासी है और दूसरा जो मूल रूप से दिल्ली का निवासी है, और दोनों अभी दिल्ली में रह रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके साथ एक और जो मुख्य आरोपी है, जिसके साथ व्हाट्सएप पे वार्ता की गई थी, उसको भी इस मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह व्हाट्सएप पर लोगों से बात करते थे और देह व्यापार में लिप्त लड़कियों की अश्लील फोटो भेजते थे। डील होने पर लड़कियों को ग्राहकों के बताए गए स्थान, होटल, घर, मकान या जहां भी ग्राहक बताता था वहां पहुंचा देते थे। इसके लिए वह 5 से 20 हज़ार रुपये प्रति ग्राहक वसूलते थे। आरोपी इस रकम को ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाने के बाद ही ग्राहक के पास लड़कियों को भेजते थे। इस रकम में लड़कियों को प्रति ग्राहक 1,500 रुपये दिए जाते थे। अब पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। DCP वृंदा शुक्ला ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को जब इस ग्रुप के गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय होने की जानकारी मिली, तो टीम के पुलिसकर्मी ने आरोपियों के व्हाट्सएप नंबर पर ग्राहक बनकर लड़की की डिमांड की। इस पर डील फाइलन होने के बाद आरोपी अपनी कार से दो लड़कियों को लेकर शनिवार दोपहर सेक्टर 56 पहुंचे, जहां टीम पहले से मौजूद थी। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। DCP ने बताया कि एक लड़की नेपाल की और दूसरी कोलकाता की रहने वाली है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि उनको यहाँ तक कौन और कैसे लेकर आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और देह व्यापार करने वाले इन लोगों के खिलाफ आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो चलाई थी जो बुलंदशहर के इतिहास पर आधारित है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।